एक बहुत बड़े संत थे, कथा कहते थे, और सीता जी के भाई थे। रिश्ते भी बड़े अटपटे होते हैं। सीता जी के भ्राता श्री और एक अंजलि में पूरे समुद्र को भर के पी गए थे। नाम था अगस्त जी। उनके पास में सती को लेकर के शंकर भगवान गए। अब सीता जी के भाई कैसे थे ये तो तुम सब जानते ही होंगे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं जानते? जानना चाहते हो तो मूड़ तो हलाना पड़े हो। सीता जी के अगस्त जी भाई हैं। खोल रहा हूं और वो भी पहली बार। भाई कौन होता है? जो एक कोख से पैदा हो, या फिर एक बाप से पैदा हो, कोख भले ही अलग अलग हो, या फिर एक कोख से पैदा हो, वो भाई होते हैं। तो सीता जी का जन्म भी घड़े से हुआ है और अगस्त जी का जन्म भी घड़े से हुआ है, इसलिए ये दोनों भाई बहन हैं। अगस्त जी का एक नाम है कुंभज, कुंभ माने घड़ा, घट। और सीता जी कथा तो आप सबको पता ही है, हल चलाते समय धरती में, और जब वो घड़े से टकराए हल का वो आगे का भाग, उसमें से सीता जी का प्राकट्य हुआ। और ये दोनों शब्द को समझना, ये दोनों अयोनिजा हैं। अयोनिजा यानी ये किसी नारी की कोख से पैदा नहीं हुए, अयोनिजा हैं। दोनों ही सीता जी भी और कुंभज अगस्त जी, उनके पास लेकर के शंकर भगवान सती को गए। उन्होंने भी कथा सुनाई, लेकिन वही ऊसर जब बन जाती है जमीन, तो यूं कहा जाता है, मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिलय विरंच सम। चाहे गुरु बड़े से बड़ा मिल जाए, लेकिन वहां बीज उपजता ही नहीं है।
कथा का अपमान किया, कथा का श्रवण ही नहीं किया। चले तो गई क्योंकि गणेश के पापा जा रहे थे ना, इसलिए जाना पड़ा। तुम जा रहे हैं तो चलो हम भी हैं। लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। और क्या हुआ, लौटते समय अब तक तो अपने मालिक में, अपने गुरु में संशय था, लेकिन अब भगवान में भी संशय हो गया, राम में संशय। शंकर भगवान ने फिर समझाया क्योंकि शिष्य मजबूर होता है अपनी आदत से, शिष्य मजबूर होता है अपनी आदत से और गुरु मजबूर होता है अपनी रहमत से, तो दोनों में एक युद्ध चलता रहता है। वो मानने को तैयार नहीं है और ये समझाना छोड़ने को तैयार नहीं है। ये भी अपनी, गुरु भी अपनी रहमत से मजबूर है, नहीं माने। सती ने कहा मैं परीक्षा लूंगी, ले आओ। बोले तुम चलो। तो बोले जब हमको संशय ही नहीं है तो फिर हम क्यों चलें? परीक्षा वो ले जिसको संशय हो। अरे भाई बीमारी तुमको है तो दवाई तुम खाओ ना। अब कोई आदमी, कोई नारी ये कहे कि गाजर का हलवा तो तुम मेरे संग खाते हो, दवाई हम अकेले क्यों खाएं, दवाई भी तुम खाओ, ऐसा थोड़ी चलेगा। शंकर भगवान ने कहा मैं यहीं बरगद की छाया में बैठा हूं, आप जाओ। चली गई। लेकिन गई थी परीक्षा करने। अच्छा, परीक्षा करने के लिए हम जिसकी परीक्षा करना चाहते हैं, जिसका हम टेस्ट लेना चाहते हैं, कम से कम उसके ज़्यादा पढ़े लिखे न हो तो कम से कम बराबर के तो हों ही, कम से कम मिनिमम शर्त है कि बराबर तो हों ही। अब किसी एमए वाले व्यक्ति की परीक्षा लेने और जो कक्षा आठ को बालक पहुंचे तो क्या होगा, है? ऐसा ही सती के साथ हो रहा है। परीक्षा लेने गई हैं और खुद की औकात पता नहीं, और परीक्षा लेने चली हैं, जाकी सांस वेद श्रुति चारी, जाकी सांस सहज श्रुति चारी, चारों वेद जो है जिसकी सांसों में निकलते हैं, और उसकी परीक्षा लेने चली है जो संशय से नितांत भरी हुई है। और संशय वाला व्यक्ति तो, मैं तो कहता हूं अध्यात्म तो छोड़ो, संसार में भी सफल नहीं है। एक और बात बताऊं, बुरी से बुरी, संशय करने वाला व्यक्ति तो जो डकैतों के गिरोह होते हैं ना, उसमें भी सफल नहीं है। अध्यात्म तो बहुत अलग की चीज है। अध्यात्म जो डकैतों का गिरोह होता है ना, उसे भी अपने सरदार पर विश्वास करना पड़ेगा। जब संसार के घिनौने से घिनौने काम में भी बिना विश्वास के काम नहीं चलता, और हम अध्यात्म को सिद्ध करने चले हैं, वो भी संशय और शंकाओं के साथ रह करके, यदि कोई व्यक्ति इनको साथ लेकर के इस मार्ग पर चल पड़ा है तो अपने विनाश को देखने के लिए तैयार रहे।
अरे डकैतों का गिरोह छोड़ो, एक टुच्चे मुच्चे जो चिलम चोट्टा होते हैं ना, चिलम चोट्टा, यदि वो भी दो चार जो जो है चोरी करने जाते हैं तो उनको भी आपस में विश्वास करना पड़ता है एक दूसरे पर। और जब वो बंटवारा करते हैं तो वो उन चार पांच जने जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई जा पे विश्वास है जी बंटवारा करे वो, तो वहां भी विश्वास के बिना जब चिलम चोट्टाओं का काम नहीं चल रहा। और हम अध्यात्म को सिद्ध करना चाहते हैं, हम गलत चल पड़े हैं यदि अध्यात्म पे हम संशयों से भर करके। गीता जी में कहा है नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः, अयम लोक अस्ति न सुखम परो, परलोक अस्ति न सुखम, न इस लोक में और न उस लोक में, संशयात्मा विनश्यति। तो बोले बाको होगो का अंतिम परिणाम है उसका विनाश ही होना है, उसे सती की तरह खुद आग लगा करके मरना ही पड़ेगा। वैसे तो संशय वाला व्यक्ति हर समय जलता ही रहता है। तुम्हें यदि किसी व्यक्ति के बारे में गलत फहमी हो जाए और तुम्हें लगे कि ये व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है, फिर तुम्हारे अंदर भीतर मिट्टी का तेल छिड़कने की जरूरत थोड़ी है, माचिस से आग लगाने की जरूरत है क्या? सिर तो हिलाओ, नहीं है ना, आग तो लग गई और वो प्रति क्षण जल रहा है, लेकिन जल किससे रहा है? अपनी सोच से कि ये व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा है। और नियम ये है कि संसार में एक कदम भी हम बिना विश्वास के चल नहीं सकते। संसार में भी, और हम अध्यात्म मार्ग पर चलें, और फिर ये दौलत हमारे पास न हो विश्वास की, तो यात्रा विपरीत दिशा में हो जाएगी जो सती की हुई।